गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक. लेट्स क्रैक WBA एग्जाम. वेलकम बैक. लेट्स क्रैक WBA एग्जाम. गुड इवनिंग कोलकाता, गुड इवनिंग बंगाल, गुड इवनिंग इंडिया. गर्ल्स एंड गाइज, वेलकम बैक. हेलो फरहत, हाउ आर यू? सुन पा रहे मुझे आप? सुन पा रहे मुझे आप लोग? लिंक जरा शेयर कर देना फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे. ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे. चलो तो जल्दी से एक हेडिंग करेंगे फटाफट. लेट्स क्रैक WBA एग्जाम. जितने लोग भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे. ठीक है, यूट्यूब पे चैनल पूरा WBCS का, हम लोग पूरा क्लास और कोई भी स्टेट का सिविल सर्विस चाहे UPSC, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग इस पर पढ़ेंगे. हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, सब कुछ हम लोग इसी पे पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग एंड ऑल. गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग इंद्रनील. गुड इवनिंग. वेरी गुड शाश्वती, फरहत, गुड इवनिंग. चलो तो जल्दी से हेडिंग करेंगे. लिखेंगे करंट अफेयर्स 2020, ब्रैकेट में लिखेंगे मिशन WBCS 2021. मिशन WBCS 2021. ठीक है, ठीक. पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से. देखो, चेयरमैन ऑफ SBI. वालेकुम सलाम जाबिर. चेयरमैन ऑफ SBI कौन है, जल्दी बताइए. हु इज चेयरमैन ऑफ SBI? हु इज चेयरमैन ऑफ SBI, जल्दी बताइए. आंसर क्या है बाबू? आंसर इज दिनेश कुमार खरा. दिनेश कुमार, ठीक है, दिनेश कुमार खरा, KHARA. और इसका प्रेडिसेसर कौन था? रजनीश कुमार, है ना, रजनीश कुमार. इसको रिप्लेस करके नया है कौन? दिनेश कुमार खरा. अच्छा, ओके. रजनीश कुमार बस प्रेडेसेसर, उसका सक्सेसर है दिनेश कुमार खरा. एक और क्वेश्चन लिख लेना, एक और क्वेश्चन लिख लेना. प्रेसिडेंट ऑफ आइवोरी कोस्टा, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइवोरी कोस्टा. एक्चुअली थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइवोरी कोस्टा. न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइवोरी कोस्टा क्या है आंसर? आंसर है अलासेन ओटारा. ALASANE, अलासेन OUA, ALASANE. अलासेन ओटारा थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेक है, नेम इज मानसर. क्वेश्चन है वेयर इट इज लोकेटेड. मानसर लेक कहां पे लोकेटेड है? मानसर लेक कहां पे लोकेटेड है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए. वेयर इज मानसर लेक? वेरी गुड. आंसर क्या है? मानसर लेक क्या है? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ठीक. तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास, सॉरी करंट अफेयर्स. और इसके आगे अब हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आज का क्लास
सेना अंपायर, ठीक है, सेना अंपायर, ओके बी रेडी। तो लेट्स क्रैक डब्ल्यू बी एग्जाम, और इसको पढ़ने के लिए प्लस क्लास में सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस क्लास में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा विच इज 10,450 रुपीज फॉर वन ईयर और 15,200 रुपीज फॉर टू ईयर। तो आप लोग अगर मेरा कोड लगाएंगे दैट इज एम डी आलम लगाएंगे तो 9,405 रुपए फॉर वन ईयर, 13,680 रुपए फॉर टू ईयर, तो 570 रुपये पर मंथ पड़ेगा दो साल के लिए। तो आप लोग प्लस कोर्स में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अच्छे से पढ़ने के लिए प्लस कोर्स में मेंस लेवल का हम लोग क्लास करेंगे उस पर, ठीक है। तो दिस इज मी इंतखाब खान, आप अन अकेडमी पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंतखाब खान नाम टाइप करेंगे और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि नया जितना भी कोर्सेज आए हम उसको आप लोग कर पाए, ठीक है। तो डेली लाइव क्लासेस भी मिलते हैं अन अकेडमी पे आप लोग को, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस क्लास का, तो मॉक टेस्ट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास सेना अंपायर स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, कॉपी पेन लेकर के बैठना। तो ये देखो बंगाल में सेनाज लोका अंपायर का एक्सपेंशन है, ठीक है, देखे हुए ना एक्सटेंशन ऑफ सेनाज अंपायर। तो लोग मेनली कहां कहां पे रूल कर रहा है, दैट इज बंगाल एंड बिहार, इस वाले रीजन पे सेनाज लोग रूल कर रहे हैं, और आगे एक्सपेंशन कर करके ये लोग आसाम में भी पहुंच जाएगा, आसाम का रीजन भी कैप्चर कर लेगा, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा भी कैप्चर कर लेगा। पहले बंगाल और बिहार से स्टार्ट करेगा और बंगाल से निकल करके, बंगाल का जब बात करें मतलब आज वाला बांग्लादेश का भी बात किया जा रहा है, वो भी उनका पार्ट हुआ करता था, फिर ये लोग असम को भी कैप्चर कर लेंगे, उड़ीसा को भी कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, और ये सारा स्टेट को कैप्चर करते हुए अपने स्टेट में मर्ज करते जाएंगे। तो पहला बात लिखिए आप लोग सेनाज लोग कौन थे, सबसे पहले ये तो जान लीजिए सेनाज लोग कर्नाटक से, इनका हिस्ट्री में क्या है, ऑरिजिन जो है कर्नाटक से था, और कर्नाटक से ऑरिजिन इनका हुआ, और कर्नाटका से ये लोग माइग्रेट करके चले आए बंगाल, और बंगाल में आकर के ये लोग जो पाल डायनेस्टी था, पाल डायनेस्टी में ये लोग थे फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स। और धीरे धीरे जब पाल डायनेस्टी का वीक होने लगा रूलर लोग, तो सेनाज लोग अपना जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो लोग छोटे छोटे स्टेट्स पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स लोग रूल करते थे, उसमें से जो फ्यूडल थे जिनका नाम था सेनाज, वो लोग अपने आप को क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे अपने आप को लॉर्ड, और एक किंग आएगा उनका नाम था रामपाला, पाल डायनेस्टी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। लेकिन पाल डायनेस्टी के टाइम से ही वो लोग वीक भी पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और तो पाल डायनेस्टी को में रामपाल आएगा, उसके बाद देखेंगे मदनपाल आएगा, ये सब राजा लोग को लोग डिफीट कर करके और धीरे धीरे नामपार का एक्सपेंशन कर लेगा। सेनाज लोग अपने आप को क्या क्लेम करते थे, ब्रह्मा क्षत्रिय, क्या है, ब्राह्मण, मतलब ऑरिजिनेट बाय ऑरिजिन बाय कास्ट दे आर ब्राह्मण, और काम से वो लोग क्षत्रिया थे, मतलब लड़ने का काम करते थे, बैटलफील्ड में जो लड़ने का काम करता है, कंट्री को प्रोटेक्ट का काम करता है, जो आर्मी में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षत्रिया। तो बाय प्रोफेशन दे वेयर क्षत्रिय एंड बाय कास्ट दे वेयर ब्राह्मण, ठीक है, चल अब देखेंगे। इसलिए नाम क्या पड़ा, ये लोग अपने आप को बोलते थे ब्रह्मा क्षत्रिय, ब्रह्मा क्षत्रिय। एमसीक्यू जब करवाया था तो ये वाला पॉइंट हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनका कौन कौन किंग आया। तो पहला किंग जो है वो कौन है, ऑरिजिन क्या है, लिखा पहले मैंने लिख चुका हूं कि कर्नाटका से लोग ऑरिजिन करते हैं, फॉलो क्या करते थे, हिंदुज्म को, लेकिन बंगाल में ये लोग जब आए तो लोग हिंदुज्म को भी फॉलो करते थे, प्लस बुद्धिज्म को भी फॉलो करने लगे, सम टाइम जैनिज्म को भी प्रमोट किया करते थे, लेकिन मेनली फॉलो करते थे हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक। तो लोग रूल करते थे कहां पे, बंगाल में, बंगाल में कैपिटल होता था ये लोग का क्या, नावद्वीप, जिसको नदी आजकल बोलते हैं, विक्रमपुर, गौड़ा मतलब बर्दवान और लखनवती, तो ये सारा इनका कैपिटल हुआ करता था। आगे अपना कैपिटल कोई चेंज करेंगे तो वो भी हम लोग आज देखेंगे, कोई कैपिटल अगर चेंज किया तो फाउंडर किंग का नाम क्या था, सामंत सेना, जो आएगा रूल करके 1070 से लेकर के 1095 तक रूल करेगा, ही वॉज फाउंडर, ठीक है, एंड ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालास, जो मैं पहले ही आप लोग को बोल चुका हूं, रामपाला के टाइम पे ही वॉज, ये आदमी जो है रामपाला के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है, और रामपाला के टाइम के बाद ही लोग क्या करेगा, अपने आप को कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट जो इसका किंग आएगा, इसका बेटा था, उसका नाम था हेमंत सेना, ठीक है, हेमंत सेना, जो 1095 से लेकर के 1096 तक रूल करेगा, ठीक है, एक साल तक, लेकिन उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसका नाम विजय सेना, जो 1096 से लेकर के 1159 तक आकर के रूल करना स्टार्ट करेगा, सन ऑफ हेमंत सेना इसका बेटा था, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग एंड पावरफुल किंग ऑफ बंगाल ऑफ सेना डायनेस्टी। आपसे पूछेगा सेना डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है, तो आंसर क्या बोलेंगे, रियल फाउंडर का नाम है विजय सेना,
फर्स्ट पावरफुल किंग का नाम क्या है? तो आंसर फिर से विजय सेना, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेना किंग। तो आंसर क्या बोलेंगे? आंसर इज जब कोई आदमी रूल करना स्टार्ट कर देता है तो उसको अंपायर बोलते हैं, और अगर अगर बात उनका ओरिजिन का किया जाएगा तो डायनेस्टी बोलेंगे, और बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन का करेंगे तो अंपायर बोलेंगे। यही फर्क है, अंपायर और डायनेस्टी में फर्क है कि बात अगर उनका खानदान का ओरिजिन का बात कर रहे हैं तो आंसर बोलेंगे डायनेस्टी, तो क्या बोलेंगे वह डायनेस्टी, लेकिन बात जब एडमिनिस्ट्रेशन का कर रहे हैं तो अंपायर बोलेंगे। यही फर्क है, ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। और ये आदमी क्या करेगा, बंगाल से निकल करके आसपास का किंग लोग को डिफीट करना स्टार्ट करेगा, जैसे गौड़ा मतलब बर्धवान का किंग है, कामरूपा, कलिंगा, उन सब किंग लोग को डिफीट करेगा, और डिफीट करके अपना अंपायर को एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा और अपना कैपिटल बना लेगा कहाँ पे, बिक्रमपुर एंड विजयापुरी। विजयापुरी ईस्ट बंगाल में आप पड़ेगा ये वाला पार्ट, और उधर का किंग लोग को डिफीट करके ये बन जाएगा किंग। विजय सेना जब रूल कर रहा था, विजय सेना जब फ्यूडल लॉर्ड था, किसके टाइम पे फ्यूडल लॉर्ड, हेमंता सेना भी थे, लेकिन अपना छोटा अंपायर पे एक्सपेंशन करके एक छोटे से अंपायर पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। और हेमंत विजय सेना क्या करेगा, अपने आप को फाइनली अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर देगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अब देखेंगे रामपाला। और रामपाला एक रिवोल्ट को क्रश किया था, उसका नाम था कैवर्ता, और कैवर्ता रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था उसका लीडर था दिव्या, और कैवर्ता रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में वो स्टार्ट हुआ था महीपाला टू के टाइम पे, लेकिन इसको क्रश किया था, खत्म कौन किया था, दैट इज रामपाला। और रामपाला को क्रश करने में जो मदद किया था उस आदमी का नाम था विजय सेना, ही वॉज आर्मी जनरल ऑफ रामपाला, और वो क्रश करने में मदद करता है कैवर्ता रिवोल्ट इन बंगाल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ही टेकन फुल एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द पाला किंग, बिल्कुल सही, पाला किंग लोग जब वीक होने लगा तो विजय सेना अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर देते हैं। कहां पे? राड़। राड़ कहां पे जगह है? जगह है दुर्गापुर, जिसको आजकल बोलते हैं राड़ प्लेन। ठीक है, दुर्गापुर, गौड़ मतलब बर्धवान। ही ऑल्सो कंकर्ड नॉर्थ बिहार, उड़ीसा एंड असम, ये सारा स्टेट को धीरे धीरे ये कैप्चर करता स्टार्ट चल रहेगा। यादवा ऑफ ईस्ट बंगाल, यादवा डायनेस्टी ऑफ ईस्ट बंगाल उनको डिफीट करेगा, फिर उनकी प्रिंसेस से शादी करेगा, और शादी करने के बाद अपना मैरिटल अलायंस पे एस्टैब्लिश कर लेगा, फिर विजयपुरी एक कैपिटल बनाएगा अपना नॉर्थ बंगाल, ईस्ट बंगाल में यादवाज लोग को डिफीट करने के बाद। ठीक है, राधा डायनेस्टी, ठीक है, ईस्ट बंगाल में, और यहाँ पे भी मैरिटल अलायंस करेगा, जिसमें एक प्रिंसेस थी उसका नाम था राधा विलास, क्या नाम था, राधा डायनेस्टी, राधा देखेंगे अंपायर, उसमें देखेंगे देव, प्रिंसेस का नाम था विलास देवी, जिससे शादी करके अपना मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश कर लेगा और ईस्ट बंगाल में अपने आप को क्या कर लेगा, कंसोलिडेट कर लेगा। अब ये आदमी टाइटल भी अडॉप्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, टाइटल देखो क्या खतरनाक अडॉप्ट करेगा, टाइटल है अरिराज बरीशवा शंकर, दूसरा है परमेश्वरा, तीसरा है परम भट्टरक्का, और चौथा है महाधीराज, महाराज धीराज नहीं, क्या है, महाधीराज। ये सारा टाइटल अडॉप्ट करेगा क्योंकि लोग बहुत अपने आप को सुपीरियर मानता था, जो राजा लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग सुपीरियर मानता है वही लोग क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। हेलो शंखा, हाउ आर यू, कितने दिनों के बाद टाइटल अडॉप्ट करता है। उसके बाद इसका बेटा आ जाएगा, बेटा का नाम है बल्लाल सेना, 1159 से 1179 तक, और ये अपना बाप को सक्सीड करने के बाद आएगा। ठीक, ये ज्यादा कंसोलिडेट करने पे ध्यान देगा, कंसोलिडेट कि जो बंगाल का एरिया कोई लोग जीत चुके हैं उसको और स्ट्रांगली कैसे रूल किया जाए, एक्सपेंशन करने के लिए नहीं जाएगा, अपना अंपायर को बाहर निकल के एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन पे ध्यान रखेगा, और ये बहुत अच्छा बात है, कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंकस्ट करेंगे और फिर हार जाएंगे, इससे बेटर है कि जो आपके पास है उसको सही से रेडी करो, मतलब आप जितना पढ़ रहे हैं उसको एकदम पक्का पढ़ो, जितना पढ़ रहे हैं उसको एकदम श्योर पढ़ो, ताकि उसमें कोई गलती का चांसेस ना रहे, एकदम श्योर पढ़ेंगे जितना पढ़ रहे हैं, और इतना पढ़ लिया लेकिन कुछ फायदा नहीं, जैसे आप देखेंगे 6 घंटा पढ़ने के लिए बैठ गए लेकिन 2 घंटा का भी पढ़ाई नहीं किया, तो बेटर ये कि आप 2 घंटा पढ़ो लेकिन 2 घंटा में फुल 2 घंटा का पढ़ाई करो, 6 घंटा बैठ करके पढ़ाई करना
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 घंटा में 6 घंटा का पढ़ाई करना ये इंपॉर्टेंट है। तो कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन से ज्यादा कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट। तो कंसोलिडेट करेगा, लेकिन ये आदमी देखेंगे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स आदमी था, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स आदमी था। तो ये क्या करता था, ये क्या करेगा आगे देखेंगे, एक्सटर्नल अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, टाइटल अडॉप्ट करेगा। देखो ये भी देखेंगे, अयराज बरीश शंकर दूसरा टाइटल ये अडॉप्ट करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा बंगाल में कुलनिज्म। ये तो WBCS में बहुत बार पूछ चुका है, स्माइली लगाएंगे। कुलनिज्म क्या है, पहला ब्राह्मण, दूसरा वैश्य सॉरी क्षत्रिय और तीसरा वैश्य, ये तीन जो अपर क्लास है इनकी जो लड़कियां हैं इनका शादी जो होगा या तो सेम क्लान में होगा या तो सेम कास्ट में होगा या अपने से सुपीरियर में होगा, नीचे नहीं होगा। मतलब ब्राह्मण की कोई लड़की है तो क्षत्रिय में वैश्य में शादी नहीं होगा, ब्राह्मण की लड़की का शादी ब्राह्मण में होगा। हो सकता है कि क्षत्रिय लड़की का शादी ब्राह्मण में हो जाए, लेकिन ब्राह्मण लड़की का शादी क्षत्रिय में नहीं हो सकता है। मतलब अपने से नीचे वाला कास्ट में शादी नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्या, कुलनिज्म। ही इंट्रोड्यूस इन बंगाल और बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट करेगा बंगाल में फॉर द हिंदू सोसाइटी, रिवाइव करने के लिए, हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए। इसके टाइम में बंगाल वॉज डिवाइडेड, ठीक है, 5 पार्ट में, लेकिन आगे चल करके जब इसका एंड होने लगेगा तो बंगाल को ये 5 पार्ट में डिवाइड करेगा, बंगा बारेंद्रा राधा और बगदी और मिथिला, अलग अलग 5 पार्ट में डिवाइड करेगा बंगाल को बाद में, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये पढ़ा लिखा आदमी लोग को पैट्रोनाइज करके रखता था, इवन मॉन्क लोग को, तंत्र विद्या करने वाला हिंदू तांत्रिक लोग को पैट्रोनाइज करके रखा करता था, खुद भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत लिटरेट आदमी और बुक भी लिखा है, 2 बुक जो आप देखेंगे अभी आपको बताएंगे। तो इसके टाइम पे क्या किया, मगधा में, उड़ीसा में, नेपाल में, चिटागांव में प्रेच करने के लिए, हिंदुइज्म को प्रेच करने के लिए भेजेगा, ठीक, सेंट लोग को प्रेच करने के लिए, मॉन्क लोग को प्रेच करने के लिए, हिंदुइज्म को प्रचार करने के लिए भेजेगा। और क्या करेगा, पढ़ा लिखा आदमी लोग को अपने कोर्ट में पैट्रोनाइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, खुद भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और 2 बुक लिखेगा संस्कृत में, एक का नाम है देखो धनसागरा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्माइल लगाएंगे एग्जाम के लिए आपको, मेंस के लिए, और दूसरा बुक का नाम है अभूत सागरा। और इस बुक को ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो इसका बेटा जो आएगा वो इसको जाकर के कंप्लीट करेगा, ठीक है, ठीक। तो 2 बुक लिखा है जिसको कंप्लीट करेगा इसका बेटा, सेकंड बुक को, पहले बुक को खुद लिखेगा, दूसरे बुक आधा लिख पाएगा आधा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा का नाम है लक्ष्मण सेना। अब इसके बाद जो किंग आएगा उसका नाम है लक्ष्मण सेना, 1179 से 1205, ठीक है, और ही सक्सेडेड हिज फादर लाल सेन, ठीक है। व्हेन ही बिकेम द किंग ही वॉज 60 ईयर ओल्ड, कौन बोला है ये, एक हिस्टोरियन, उसका नाम है मिन्हाजुस सिराज, ठीक है, और ये बोला है, और ये मिडिवल पीरियड में आप देखेंगे, मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में हिस्टोरियन था, और बंगाल का बहुत सारे हिस्टोरियन को ये आदमी क्रिटिसाइज करेगा, आगे भी बताएंगे आपको। ये अपना कैपिटल क्या बना लेगा, नदिया में कैपिटल बना लेगा, और टाइटल देखो क्या अडॉप्ट करेगा, अय राजा मदन शंकर गौड़ेश्वर परमा वैष्णवा परमा नरसिम्हा, ठीक है, ये सब टाइटल अडॉप्ट करेगा, यहाँ पे होगा कॉमा, ही वॉज वैष्णव, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा किया करता था इसके कोर्ट में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, WBCS में क्वेश्चन आ चुका है, जयदेवा वॉज हिज कोर्ट पोएट और वो विष्णु की फॉलो करने वाला, विष्णु वैष्णव सेंट थे और पोएट थे, और ये एक बुक लिखे, बुक का नाम है गीता गोविंद इन संस्कृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी आदमी लोग सोचेगा कि बंगाल का बुक है तो कौन सा लैंग्वेज में होगा, आंसर इज बंगाली, लेकिन आंसर क्या है, आंसर इज संस्कृत में बुक लिखा है, बुक का नाम है गीता गोविंद, रिटन बाय जयदेवा, ठीक है। नेक्स्ट पोएट का नाम है दोई, ही वॉज ऑल्सो इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेना और इसका बुक का नाम है पवन दूता, हम पहले ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तीसरा पोएट उसका नाम है गोवर्धना, उसका बुक का नाम क्या है, इसका बुक का नाम है आर्य सप्तशती, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे पोएट है, उनका नाम है सारन, ठीक है, उमापतिधार, उमापति, ये सब पोएट है लक्ष्मण सेना के कोर्ट में। एक फिलोसोफर है हाला युद्धा, किसके कोर्ट में, लक्ष्मण सेना के कोर्ट में, और एक और राइटर है संस्कृत का, उसका नाम क्या है, सॉरी लक्ष्मण सेना एक बुक लिखेगा उसका नाम है करना मृता, कौन सा लैंग्वेज में, संस्कृत में एक बुक लिखेगा करना मृता, इसमें बहुत सारा श्लोक लिखेगा, ठीक,
श्लोक लिखेगा और अपने फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स लोग को क्या करेगा, ग्रैंड फादर एंड फादर, गुड इवनिंग सोम, ग्रैंड फादर बल्लाल फादर एंड ग्रैंड फादर, इन दोनों को क्या करेगा, प्रेस करेगा इस बुक में जा करके, ठीक है, इस बुक में प्रेज करना स्टार्ट करेगा। अब आ जाते हैं इनका आर्ट एंड कल्चर, तो लोग क्या क्या यूज करता था इसका, सेना पीरियड का आर्ट एंड कल्चर और पाला पीरियड का आर्ट एंड कल्चर दोनों ऑलमोस्ट आपको देखेंगे सेम मिलेगा। जैसे यूज ऑफ बर्न ब्रिक, जो बिल्डिंग बनाते थे उसमें बर्न ब्रिक का यूज करते थे, पालाज में भी बर्न ब्रिक का यूज करते थे बिल्डिंग बनाने में, मंदिर बनाने में, और सेन लोग भी यूज करेंगे। दूसरा क्या करिए, एक मंदिर बनवाया, वेरी फेमस मंदिर सिद्ध, हाँ सिद्धेश्वर टेम्पल, महादेव टेम्पल इन बड़ाकर, बड़ाकर कहाँ है, बर्धवान के पास, ठीक है। और दूसरा टेम्पल क्या लिखा है, दूसरा लिखा है दक्षेश्वरी ढाकेश्वरी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट बांग्लादेश, अभी भी टेम्पल है और ये टेम्पल है नेशनल टेम्पल ऑफ बांग्लादेश, नाउ नेशनल टेम्पल। जो बिल्डिंग बनाते थे या टेम्पल बनाते थे उसमें स्लोप्ड कर्व्ड करके स्ट्रक्चर बनाते थे टेम्पल्स में, और उस स्लोप्ड कर्व्ड टेंट को क्या बोलते थे, बांग्ला रूफ, बांग्ला छत, ठीक है। और टेम्पल्स में एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे, उसका नाम था अमाला का, ठीक है, टेम्पल्स में यूज किया जाता है, अभी आपको दिखाएंगे वो क्या है। दूसरा क्या यूज करते थे, ब्रोंज एंड स्टोन यूज करते थे स्क्लिप्चर्स बनाने में, पालाज एंड सेनास दोनों में बनाया जाता था ब्रोंज का, स्टोन्स का स्क्लिप्चर्स, पेंटिंग बनाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, कहाँ पे, वॉल पे, ठीक है, जैसे मंदिर है उसका वॉल पे बनाते थे पेंटिंग्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, और किसका, मेनली वज्रायन बुद्धिस्ट, ये स्कूल ऑफ थॉट है। वज्रायन हम बोला था एक तांत्रिक समाज था जिसको देखेंगे पनिश करने के लिए बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को भी चला देता है, क्योंकि वज्रायन समाज तंत्र विद्या करने लगे थे, जादू टोना करने लगे थे, ये वज्रायन बुद्धिस्ट और तांत्रिक हिंदू जो तांत्रिक है इनको भी, इनका जो फिलोसफी है इनकी फिलोसफी को भी पेंटिंग में ये लोग बनाया करते थे मंदिर में, ठीक है। अब जरा सा आगे देखेंगे, पालाज एंड सेनास वेयर बोथ वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, मैन वुमेन सब लोग ज्वेलरी पहना करते थे, बहुत लोगों को ज्वेलरी पसंद था, गोल्ड सिल्वर सबका ज्वेलरी पहनते थे, स्टोन्स का पहनते थे, बहुत सारा पत्थर का पहनते थे। जो कंस्ट्रक्ट करते थे स्कल्पचर्स वो स्लैब के ऊपर होता था मल्टीपल आर्म्स के साथ, मतलब किसी का भी अगर स्टैचू बनाए, आप देखेंगे अगर देखना ध्यान से देखेंगे तो नीचे यहाँ देखो ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये एक स्लैब है, और स्लैब के ऊपर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखना एक स्कल्पचर है और इसका मल्टीपल आर्म्स है, ठीक है, मल्टीपल आर्म्स, बहुत सारा आर्म्स का, और ये किसका है पता है, ये स्कल्पचर है चामुंडी का, चामुंडी कौन है कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, स्लैब के ऊपर। अब देखना एक टेंपल है उसका नाम है सिद्धेश्वर टेंपल, कहाँ है, बर्धवान में, ये वाला टेंपल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये टेंपल्स के ऊपर में ये राउंड सा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पतला सा राउंड सा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर था इसी का नाम था अमला का, ठीक है, राउंड से स्ट्रक्चर को, ओके ठीक। अब देखना जरा, अब ये देखेंगे ऐसा वाला टेंपल आप बंगाल में बहुत जगह देखेंगे, आप कभी चले जाएंगे उधर पे जैसे कोलकाता में बहुत जगह पे आप देखेंगे, जैसे मेरे एरिया में भी एक शिव टेंपल है उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, ठीक है। मेजोरिटी टाइम ये टेंपल आप देखेंगे तो ग्रुप्स में रहता है, दो का तीन का चार का ऐसा ग्रुप में रहेगा, ठीक है। ढाकेश्वरी टेंपल, अब ये ढाकेश्वरी टेंपल में आप देखेंगे जो ये छत है ये नीचे की तरफ ऐसे स्लोप है, ठीक है, स्लोप्ड है, और इसी को क्या बोलते हैं पता, इसी को बोलते हैं बांग्ला रूफ जो ऑलमोस्ट डेवलप हो रहा है किसके टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेनास, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सभी लोग कंस्ट्रक्ट करवाएगा, तो फेमस टेंपल्स का नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, फेमस टेंपल्स का नाम आप देखेंगे ढाकेश्वरी और सिद्धेश्वरा, दो बहुत फेमस टेंपल है। अब जरा सा कॉपी खोलेंगे, एक दो पॉइंट को ऐड करेंगे, ठीक है, जरा सा कॉपी को खोलेंगे,
लिखो, स्माइल लगाओ, एक पॉइंट लिखो, उमापति धारा, उमापति धारा, उमापति धारा वॉज इन द कोर्ट ऑफ, वॉज इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेना, वॉज इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेना. Court of Lakshman Sena, comma, he wrote Devpara Prashasti. Devpara Prashasti. ठीक है, Devpara Prashasti. नीचे एक लाइन लिखेंगे, बल्लाल सेना कंस्ट्रक्टेड. अभी तो टेंपल्स आप देखा था कौन कंस्ट्रक्ट करवाया, लिख लो बल्लाल सेना कंस्ट्रक्टेड ढाकेश्वरी टेंपल. नीचे एक लाइन लिख लेना, लक्ष्मण सेना ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड, ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड, लक्ष्मण सेना ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड नवरत्न इन हिज कोर्ट, नवरत्न इन हिज कोर्ट. फुल स्टॉप. नीचे लिखना, टू फिलोसफीज, टू फिलोसफीज, टू फिलोसफीज वेयर वेरी कॉमन इन बंगाल दैट टाइम, टू फिलोसफीज वेयर वेरी कॉमन, वेयर वेरी कॉमन इन बंगाल दैट टाइम. In Bengal that time, where Tantric Hinduism and Vajrayana Buddhist philosophy, Tantric Buddhism, Tantric Hinduism and Vajrayana Buddhism, दो philosophy है, Tantric Hinduism, Vajrayana Buddhism. Vajrayana भी Tantric ही philosophy था. आर लाद लैद खाते होबे ना सोमनाथ, है तो लाद लैद भालो नोई. अच्छा एक 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 और क्वेश्चन लिख लेना, हमको याद आ गया अभी अचानक से, पाल पीरियड में एक इंपॉर्टेंट फिजिशियन था, उनका नाम लिख लेना, जरा लिख लेना, स्माइल लगा करके लिख लो, चक्रपाणि, चक्रपाणि दत्ता was the physician in the court in the Pala period. Chakrapani Datta was the physician in the Pala period. ठीक है, हाँ एक बार पढ़ते हो बे. ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं बाबू कि हम लोग क्या जानते हैं, बख्तियार खिलजी जब 1205 में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WBCS में एग्जाम में आ चुका है, तो लक्ष्मण सेना हम लोग जानते हैं कि लास्ट किंग था, उसका नाम था किसका, ऑफिशियली लास्ट किंग ऑफ सेना डायनेस्टी लक्ष्मण सेना. लेकिन इसके बाद भी एक दो किंग आएगा और फाइनली लक्ष्मण सेना टू जो था वो लास्ट किंग था 1230 में, 1230 में लक्ष्मण सेना टू, लक्ष्मण सेना जो ओरिजिनल लक्ष्मण सेना, लक्ष्मण सेन वन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको आकर के बख्तियार खिलजी अटैक किया और इसका एग्जाम में WBCS में क्वेश्चन पूछता है, यही वाला एकदम जो अभी लॉजिक दे रहा है आपको ना, ये एग्जाम में आएगा,
यही लॉजिक से एग्जाम में टिक होगा आंसर। WBCS में क्वेश्चन पूछेगा या तो ऑप्शन में होगा 1202 या तो ऑप्शन में होगा 1205। क्वेश्चन पूछेगा बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेना को कब अटैक करके डिफीट कर दिया, तो आंसर है 1202 और 1205, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। कुछ हिस्सों में लोग लिखते हैं 1202, कुछ हिस्सों में बोलते हैं 1205। इसमें हिस्ट्री में कन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि बख्तियार खिलजी का नाम का बंगाल से एक सिल्वर का नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से सिल्वर का कॉइन मिला है, उसी कॉइन में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट फारसी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ये हम पहले पढ़ा चुके हैं अर्ली मिडिवल पीरियड पढ़ाने के टाइम, स्टेटमेंट फिर से सुन लो, पर्शियन लैंग्वेज में स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है कॉइन पे सिल्वर का कॉइन। स्टेटमेंट है फी मुंतसिफ सन अहदी वह सितम आया, इसका मतलब है इन द मंथ ऑफ मिडिल ऑफ रमजान ही एनेक्स्ड बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। ये 1200 और डेट नीचे लिखा हुआ है कॉइन पे 1205, इसी डेट से हो गया हिस्ट्री में कन्फ्लिक्ट क्योंकि कॉइन 1205 में इशू हुआ है इसलिए 1205 का डेट लिखा हुआ है। एक्चुअली में बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेना को 1202 में अटैक करता है। 1202 में अटैक करने के बाद 3-4 साल तक उसको कंसोलिडेट करने में टाइम लगा और 3-4 साल बंगाल में कंसोलिडेट करने के बाद बंगाल बिहार में तब अपना विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए 1205 में कॉइन इशू करता है, लेकिन अटैक करने का करेक्ट डेट इज 1202। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में दे दिया 1202 तो 1202 टिक करना, अगर 1202 नहीं होगा तो 1205 होगा तो 1205 को टिक करना, और दोनों अगर होगा क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत है, या तो 2 होगा या तो 5, दोनों ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, लॉजिकली आंसर में दोनों नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो अटैक करने का करेक्ट डेट इज 1202, सेलिब्रेशन किया बख्तियार खिलजी 1205 में, तो आंसर इज 1202। आप देखेंगे बंगाल का बहुत सारा जो हिस्टोरियन लोग है या कुछ इंडियन हिस्टोरियन लोग भी क्या बोलेगा कि बख्तियार खिलजी जब अटैक किया तो लक्ष्मण सेना बख्तियार खिलजी के डर से पीछे का रास्ता से भाग के निकल गया। लेकिन एक्चुअली जो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में हिस्टोरियन है उसका नाम है मिन्हाजुस सिराज, और वो बोलते हैं नहीं बख्तियार खिलजी जब अटैक किया तो लक्ष्मण सेना का मिनिस्टर लोग बोलते हैं कि नदियाँ छोड़ के आप भाग जाइए, लेकिन बख्तियार खिलजी नदियाँ छोड़ के नहीं भागता है, तो वो अपना कोर्ट वो अपना दरबार से बाहर निकल गया लेकिन नदियाँ नहीं छोड़ता है। वो उसका स्ट्रेटेजी था बख्तियार खिलजी को डिफीट करने के लिए, वो अपना दरबार छोड़ के चला जाता है लेकिन नदियाँ में ही रहता है ताकि जब मौका मिले तो बख्तियार खिलजी को डिफीट कर दे। और मिन्हाजुस सिराज बोलते हैं कि ही वॉज वेरी ब्रेव किंग, तो कुछ अभी का मॉडर्न हिस्ट्रियन लोग बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी से डर करके लक्ष्मण सेना भाग गया, लेकिन मिन्हाजुस सिराज जो उसका फारसी लैंग्वेज में बुक है वो बोलते हैं कि नहीं लक्ष्मण सेना एक्चुअली में कावर्ड किंग नहीं था, उसका स्ट्रेटेजी था कि वो दरबार छोड़ के चला गया लेकिन वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, कभी भी नदिया डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें दो बात है, तो मॉडर्न हिस्टोरियन का अलग बात है और दिल्ली सल्तनत का हिस्टोरियन जो मिन्हाजुस सिराज है ना, और अब जाकर के बहुत सारे हिस्टोरियन लोग बोलते हैं कि नहीं इंडियन हिस्टोरियन लोग जस्टिफाई नहीं किया लक्ष्मण सेना को, जो वो पर्शियन जो है हिस्टोरियन जो है दिल्ली सल्तनत का वो बेटर जस्टिफाई किया है लक्ष्मण सेना को, है ना। तो जो भी रहा होगा फाइनली बख्तियार खिलजी बंगाल को कैप्चर कर लिए हम लोग को पता है, बख्तियार खिलजी आगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जब कैप्चर करने जा रहा था तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाकर के लड़ते लड़ते वो मर गया, जंगल में जाकर के बंगाल में ही मरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बंगाल वाला पार्ट में जाकर के मर गया। फाइनली बख्तियार खिलजी का एंड हो जाता है और आफ्टर द एंड ऑफ बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर देते हैं दिल्ली सल्तनत फॉर्म कर देते हैं, है ना। चलो तो यहीं तक हम लोग रखेंगे आज का क्लास, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। यहीं तक रखेंगे हम लोग क्लास, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मेरा कोड लगा करके प्लस कोर्स में सब्सक्राइब कर लो MD Alam, ताकि आप लोग प्लस कोर्स में ज्वाइन करो और ऑप्शनल पेपर के बारे में पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे हम लोग, कल हम लोग मिलेंगे सुबह 10 बजे इन द प्लस क्लास, 2 बजे मिलेंगे इन द स्पेशल क्लास, रात के 8 बजे मिलेंगे यूट्यूब क्लास। कल बहुत सारा क्लास होने वाला है मेरा, आज क्योंकि नहीं हुआ ये 2 बजे का क्लास, आज होने वाला था लेकिन ये कल शिफ्ट हो गया, तो कल हम लोग मिलेंगे 2 बजे, 10 बजे और रात के 8 बजे। बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट। धन्यवाद सोम for joining me.